अमर रहे। अधिकारी का तुकी हो, मंदिर तक पहुँचाएंगे, माफियाओं के द्वारा मंदिर तक पहुँचाएंगे। उनको जान से मार दिया जाएंगे। उसी बीच बकरी के मंदिर तक पहुंचाएंगे के रहने वाले दो मिनट का मौन व्रत रखा गया। सबसे आज दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और हमारे लिए खासकर और पत्रकार संघ के लिए यह आज का दिन बहुत काला दिन है। पूरे बिहार में जिस तरह से आए दिन पत्रकार की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आज जिस तरह से सुभाष जी की हत्या हुई है, या कहीं ना कहीं पूरे बिहार के पत्रकारों के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप या पत्रकार वो पत्रकार है जो अपने परिवार को, जो अपने बच्चे को, जो अपने घर को छोड़कर पूरी तरह से समाज की सेवा में किसी न किसी रूप से रहते हैं। समाज चुप रहता है, लेकिन समाज का आवाज ये पत्रकार उठाते हैं और आज उसी पत्रकार को सदा सदा के लिए चुप कर दिया गया। बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही पीड़ादायक बात है। यह दर्द, ये हृदय विदारक घटना जो है, पूरा बेगूसराय नहीं, पूरा बिहार, पूरा भारत महसूस कर रहा है। जिस तरह से मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा, खासकर से नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बिहार में सुशासन की सरकार है, तो इस सुभाष को जल्द से जल्द न्याय मिले एसपीडी ट्रायल के साथ। इसके परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और इनके परिवार के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी मिले। तब तक सुभाष और सुभाष मरा नहीं है, सुभाष शहीद हुआ है और शहीद सब दिन या शहीद की तरह इनका नाम लिया जाएगा और पूरे बेगूसराय आज उनके इस दुख की घटना में, इस हृदय विदारक घटना में उनके परिवार के साथ है, उनके लोगों के साथ है। और पत्रकार बंधुओं को कहीं से हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। पत्रकार बंधु के साथ हम जैसे युवा छात्र संगठन जो हमेशा मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हम भी आपके साथ मजबूती के साथ आपके आंदोलन में आपके साथ हमेशा खड़े थे और आने वाले दिनों में खड़े रहेंगे।